अरे दसवीं के विद्यार्थी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज मैं पाठ 7 तुलसी के दोहे, इस दोहों को मैं लेना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये दोहे आज तक हमने क्या कविताएं पढ़ी है, वो कविताएं खड़ी बोली भाषा में थी। हाँ, खड़ी बोली भाषा में थी, लेकिन ये जो पद है दोहे, दोहे ये अवधी भाषा में है। अवधी भाषा यानी क्या, प्राचीन काल की भाषा, 12वीं शताब्दी की भाषा। हाँ, बाकी के पद क्या थे, खड़ी बोली थे, यानी जो चार पंक्तियों का चरण जो रहता है, यानी चार पंक्तियां जो रहती है, वो क्या है, वो खड़ी बोली में। एक दोहा का अर्थ क्या है, दोहा का अर्थ क्या है, एक मात्रिक छंद है। दोहा एक मात्रिक, एक मात्रिक यानी एक मात्रा वाला पद्य छंद है। चार चरण यानी चार भाग रहते इसमें, दो पंक्तियों का पद्य को दोहा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े एक चरण, काके लागू पाय दूसरा चरण, बलिहारी गुरु आपने तीसरा चरण, गोविंद दियो बताया चौथा चरण। ये चार चरण यानी चार भाग है। और लिखते कैसे, दो लाइन में लिखते हैं, चार भाग रहते हैं लेकिन दो लाइन में लिखा जाता है, इसलिए इसे दोहे कहा गया है। इसे इंग्लिश में कपलेट्स कहते हैं। देखो तुलसी के दोहे, कवि परिचय, देखो कवि परिचय बताने की जरूरत नहीं है, कवि का नाम आपको पद्य से ही मालूम होता है कि तुलसी यानी तुलसीदास, उनके द्वारा लिखित जो प्राचीन पद्य है दोहे, उनका परिचय हम देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है। देखो बच्चों, सगुण भक्ति धारा नाम के दो भक्ति धारा है, इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति नाम के दो क्या है, सगुण भक्ति है। इसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी का राम भक्ति शाखा है। और सूरदास जी का क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा है। मालूम है ना, देखो राम भक्ति शाखा के कवि है ये गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ। ध्यान से सुनो बच्चों, पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी। देखिए कहा जाता है, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और एक कथा है, तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, यानी आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा ज्ञान था। जब उनका जन्म हुआ उस समय उनके मुंह से राम नाम, राम ऐसा शब्द उच्चारण हुआ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, बचपन का नाम क्या पड़ा, राम बोला। हाँ, एक मार्क का प्रश्न आता है परीक्षा में बच्चों, ध्यान से सुनो कि गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बोला ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, जन्म हुआ था उसी समय राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनका राम बोला नाम पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे, राम के, राम भक्ति शाखा के, राम के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं हैं, आपको मालूम है, विश्व प्रसिद्ध रचना यानी हम रामायण जो देखते हैं, रामचरितमानस,
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें विश्व प्रसिद्ध ऐसी एक रचना है, आपको मालूम है, रामचरितमानस। एक संस्कृत में उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वह जग प्रसिद्ध हुई है। और इसके आधार पर, इस रचना के आधार पर ये रामायण लिखा हुआ है। दूसरा और उनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, गीत कवितावली। सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ, एक कवि परिचय हुआ, दोहेकार तो हुआ। अभी पद्य का उद्देश्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो पद लिखे, तुलसी के दोहे लिखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों द्वारा ये क्या पहुंचाना चाहते हैं कवि? हमें अच्छे कर्म करना है, हमें अच्छे कर्म करना है और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख मिलती है। हम अपने जीवन में नीति पाठ को ज्यादा महत्व देना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। ये इस कविता का या पद्य का उद्देश्य है। मालूम हुआ कवि परिचय हुआ। कठिन शब्दार्थ देखो, मैं कुछ कठिन शब्दार्थ अलग रूप से बताता हूं, आप लिखे रखिए। देखिए, मुखिया यानी लीडर, मुखिया नेता लीडर, सकल यानी संपूर्ण, खान पान यानी खाने पीने के लिए, मुख यानी मुख मुह, पाले पोषे यानी पालन पोषण, सकल यानी पूरे, तुलसी सहित विवेक यानी विवेक यानी क्या, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता के साथ, सहित यानी साथ, जड़ यानी निर्जीव। देखो कुछ शब्द लिखिए कठिन शब्दार्थ क्या है। जड़, जड़ यानी निर्जीव, निर्जीव, चेतन यानी सजीव, चेतन यानी सजीव, किन यानी किया, किन यानी किया, करता यानी सृष्टि करता, संत यानी सज्जन, हंस यानी राजहंस, श्वान, राजहंस यानी श्वान, श्वान पक्षी। और देखो, अभिमान यानी ईगो, अभिमान यानी ईगो, घट यानी देह, छांडी यानी क्या, छोड़ दीजिए। कुछ शब्द ऐसे है कि इसका शब्द के ऊपर आपका अर्थ मालूम होता है, पूर्ण रूप से अलग अर्थ है, ऐसे शब्द मैं देता हूं। विद्या यानी एजुकेशन, विपत्ति यानी संकट, विनय यानी क्या, ह्यूमैनिटी, विवेक यानी विजडम, बुद्धिमत्ता, साहस यानी धैर्य, सुकृत यानी अच्छे कार्य, सुसत्य व्रत यानी क्या, सत्य बोलना, और राम भरोसा यानी भगवान पर अटल भक्ति। राम नाम मणि दीप, मणि यानी क्या, रूपी, जैसा, मणि यानी क्या,
रूपी, मनी रूपी, जैसा जो चाहसेनी जिस ओर चाहो, जो चाहसी जिस ओर चाहे। ये क्या है, कुछ नए शब्द है। टेक्स्ट बुक में भी कुछ शब्द दिए, शब्द के अर्थ दिए हैं, इसका भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रथम दोहे में तुलसीदास जी बता रहे हैं, मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखिए, मुखिया यानी लीडर, नेता, नेता को मुख के समान होना चाहिए। हाँ, जैसे हमारा मुख, मुंह क्या है कि खाना खाता है, और खाना खाने से पूरे अंग का यानी सकल अंग का पालन पोषण होता है। हाँ, उसी तरह क्या लीडर भी रहना चाहिए कि वह भी अपने विवेचना से, विवेक से, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास कहते हैं कि लीडर भी, नेता भी मुख के समान होना चाहिए, कि ताकि वह अपने बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए और पूरे लोगों की देखभाल करनी चाहिए। एक अच्छा नेता बनना चाहिए, सकल यानी पूरे लोगों का, जनता का, क्या जनता की रक्षा करनी चाहिए। यानी प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता है। हाँ, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, मैंने बताया ना, मुंह के समान होना चाहिए। जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे पूरे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेचना यानी विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सब लोगों को मिले। समझ में आया बच्चों? द्वितीय दोहे में कवि तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गही पय परिहरी वारी विकार। जड़ यानी निर्जीव, चेतन यानी सजीव, देखो यानी जीव, गुण दोष। इस विश्व में भगवान ने क्या किया है, जो सजीव है या निर्जीव है, इस वस्तु में, जीव में भगवान ने गुण दोष भरा हुआ है। इस दुनिया में सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, इसमें गुण भी है और दोष भी है। यानी सृष्टिकर्ता ने इसे बनाया है, किया है, तैयार किया है गुण और दोष को। लेकिन संत कैसा होना चाहिए, सज्जन कैसा होना चाहिए, कि सज्जन को इसमें से जो गुण है वही लेना जरूरी है। हाँ, जैसे हंस पक्षी यानी श्वान बर्ड क्या करता है, पानी और दूध जो रहता है उसमें से दूध ही निकालता है और पानी छोड़ देता है। चित्र में है, देखो, पानी और दूध मिला हुआ है, इसमें से दूध ही पीता है, या दूध यानी क्या है, अच्छे गुणों, और पानी यानी बुरे गुणों। इस तरह सज्जन लोग क्या करने चाहिए
कि गह ही यानी पानी पीना, गह यानी पीना, पय यानी दूध। देखो हंस की तरह सिर्फ दूध ही पीना चाहिए। और परिहरी वारी विकार, वारी यानी क्या, पानी, जल, जल रूपी अनावश्यक वस्तु को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ यह है, इस दोहे में तुलसीदास जी हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी एक सज्जन है, एक संत है, तो उसकी तुलना एक हंस पक्षी के साथ करते हैं, उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने क्या बनाया है इस संसार को, सजीव और निर्जीव और गुण दोष मिलाकर बनाया है। इस संसार में अच्छे बुरे यानी अच्छे यानी सार, बुरे यानी निस्सार, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। इस संसार में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग, साधु लोगों को कैसा होना चाहिए, हंस रूप होना चाहिए। हंस रूपी साधु लोग विकारों को त्याग कर यानी छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। मालूम है, तृतीय दोहे में कवि तुलसीदास जी बता रहे हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। देखो तृतीय दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, दया क्या है, धर्म का मूल है, मूल यानी कारण। धर्म का कारण क्या है, दया है, यानी हम दया दिखानी चाहिए। पाप क्या है, अभिमान का मूल है, अभिमान का कारण है, अभिमान यानी ईगो। हाँ, क्या है, अहंकार, अभिमान यानी अहंकार, ईगो, ये पाप का मूल है। इसलिए तुलसीदास जी बता रहे हैं कि तुम दया को क्या है, दया को नहीं छोड़ना चाहिए, न छांडिए, दया न छांडिए, यानी क्या, दया को नहीं छोड़ना चाहिए, दया यानी काइंडनेस। जब लग घट में प्राण, यानी जब तक तुम्हारा प्राण जीवित है, जब तक तुम जीवित हो, तब तक धर्म की दया, धर्म में दया दिखाना और अहंकार, पाप रूपी अहंकार को त्याग देना चाहिए। इसलिए कभी भी दया को त्यागना नहीं चाहिए, अहंकार को त्यागना है। समझ में बच्चों, देखो इस दोहे में तुलसीदास जी बताए कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का मूल है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। जब तक हम जीवित रहते, तब तक दयालु बने रहना चाहिए। चतुर्थ दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। देखिए यहां आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, विपत्ति के साथी यानी संकट काल के साथी कौन कौन से, देखो विद्या है। यह विद्या का एक उदाहरण देता हूं मैं, अगर आपके पास अंग्रेजी बोलने की विद्या है तो आप विदेश चले जाते हैं, तो आप सिर्फ प्लीज ये शब्द मालूम है तो, और कुछ न कुछ आप बोले तो वे समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है, यानी इससे आप काम लेते हैं,
आपको अंग्रेजी आती है, दूसरी भाषा मालूम नहीं है, तो ये विद्या आपके पास रहने से आपका कौन सा भी काम होता है, यानी आपके पास विद्या होनी चाहिए, तब हमारा संकट दूर होता है। विनय रहना चाहिए, यानी क्या, ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए, हाँ, यानी हम विनय यानी क्या आदर सत्कार देना चाहिए सबको। विवेक यानी क्या, विजडम होना चाहिए, विवेचन होने चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, इससे कौन सा भी संकट आए तो हम इसका पार कर सकते हैं। और आगे बढ़ना है, संकट काल के साथ सामना करना है तो धैर्य चाहिए। नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो, साहस यानी क्या धैर्य, और हमें अच्छे काम भी करना चाहिए, सुकृति यानी अच्छे काम, सुकृति यानी अच्छा काम, सुसत्य व्रत यानी क्या, कभी भी हम सत्य का व्रत करना चाहिए, यानी क्या, जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्य का सहारे पर अपना जीवन बिताया, उसी तरह तुम भी सत्य व्रत होना चाहिए। और एक बात है, संकट काल से सामना करने के लिए भगवान पर अटल विश्वास होना चाहिए। देखो, राम भरोसो एक, राम पर भरोसा होना चाहिए, यानी राम यानी क्या भगवान, भगवान के ऊपर हमारा अटल विश्वास होना चाहिए। इस दोहे में तुलसीदास बताते हैं, अगर कोई भी संकट आया तो विद्या विनय विवेक साहसी बनना, सुकृति करना, सुसत्यव्रत रहना और अपने भगवान पर अटल विश्वास रखना, तब हम कौन सा भी संकट आए तो पार कर सकते हैं, ऐसा कवि तुलसीदास बता रहे हैं। अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास बता रहे हैं, अंतिम दोहे में, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी धार। देखो, राम नाम रूपी मणि यानी क्या रूपी दीप रखना चाहिए, राम नाम रूपी दीप रखना चाहिए, कहाँ रखना, जीव रूपी दहलीज पर, देहरी यानी के दहलीज या द्वार, चित्र में है देखो, एक दीप रखा हुआ है दहलीज पर, चौकट पर, द्वार पर, ताकि इसका प्रकाश या उजाला अंदर भी मिलेगा और बाहर भी मिलेगा। देखो, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, यहां क्या है, दीप और दहलीज का उदाहरण दिया है कवि ने। देखो, जब हम दीप दहलीज पर, देहरी पर या द्वार पर, दरवाजे पर रखते हैं तो उजियार यानी क्या प्रकाश, जो चाहो यानी क्या जिस ओर चाहो, बीच में अगर क्या एक दीप रखेंगे तो दोनों बाजू में क्या चारों ओर इसका प्रकाश मिल जाएगा। उसी तरह मनुष्य को भी जीह दी रूपी, जीह यानी जीव, जीव रूपी द्वार यानी मुंह में कभी भी क्या है राम नाम रखना चाहिए, हाँ, तब हमें आंतरिक और बाह्य शांति मिल सकती है। अगर हमें आंतरिक और बाह्य शक्ति चाहिए तो हमें जीह रूपी यानी जीव रूपी क्या है दहलीज पर राम नाम रूपी जप रख करना चाहिए। समझ में बच्चों, देखो चतुर्दोहे में तुलसीदास जी बता रहे हैं, मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही इसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी होता है, सत्यव्रत होता है, सुकृतवान बनता है। अंतिम दोहे का अर्थ है, देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि
होती है, अंतरिक्ष शुद्धि और बाह्य शुद्धि मिलती है। समझे बच्चों, कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। देखो हम इसका YouTube चैनल भेजते हैं आपको, इसके किस तरह से गाना चाहिए और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। आप अच्छी तरह अच्छे अंकों में अच्छे अक्षर से क्या करना है, आप फेयर कॉपी में लिखना है अच्छी तरह, ये दोहों को गाना चाहिए। सिर्फ एक मई दोहा गा कर दिखाता हूँ उस तरह पाठांतर करना है। पाठांतर के लिए है बहुत मुख्य है, महत्वपूर्ण है। मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार, संत हंस गुण गही पय परिहरिवारी विकार, परिहरिवारी विकार। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए जब लग घटे प्राण, जब लग घटे प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक, राम भरोसे एक। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। धन्यवाद।